मन तव दृश्य देखने से सारे शरीर में रोमांच फैल जाता है। बाज के चित्र है चमकौर की युद्ध, छोटे साहिबजादे और बड़े साहिबजादे का चित्र, इसके बाद भाई तारू सिंह जी का चित्र, भाई मनी सिंह जी का चित्र, फिर बंदा सिंह बहादुर, ऐसे करीब 100 चित्र हैं हमारे पास। अब पूरा डिटेल बताऊंगा और सबका इतिहास बताना लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे 100 चित्र जिसमें पूरे सिख इतिहास की, और अंत में जो चित्र है वो आधुनिक इतिहास का चित्र है, वो चित्र है भगत सिंह का। भगत सिंह जेल में जब थे उस समय का चित्र है। इस तरह करीब 100 चित्रों के द्वारा शहादत की प्रदर्शनी पूरे देश में लगाई जा रही है। जयपुर के बाद अगली प्रदर्शनी हमारी इंदौर में लगी। इंदौर में जो प्रदर्शनी लगी उसको हमें बेस्ट जो है प्रदर्शनी का अवार्ड मिला। इंदौर की जो प्रदर्शनी थी हमें बेस्ट प्रदर्शनी का अवार्ड मिला, जिसको करीब 40-50 हजार लोगों ने देखा। इसके बाद जो प्रदर्शनी लगाई गई वो गाजियाबाद में, गाजियाबाद की प्रदर्शनी ऐसी प्रदर्शनी थी, वहां के जो बच्चे थे छोटे छोटे बच्चे वो कह रहे हैं कि ये इतिहास तो हमें कभी पढ़ाया नहीं गया, हमसे पूछते हैं। गाजियाबाद में भी 4 दिन प्रदर्शनी लगी। इसके बाद भिंड में, भिंड में लोगों को 1 दिन की प्रदर्शनी लगाई गई। भिंड के बाद ग्वालियर, ग्वालियर के बाद उडुपी, उडुपी के बाद नांदेड़, नांदेड़ के बाद सूरत, सूरत के बाद अहमदाबाद, अहमदाबाद के बाद जो अभी मैं आज ही निकल रहा हूं 21 तारीख को रात को तमिलनाडु एक्सप्रेस से चेन्नई। चेन्नई में 7 दिन का कार्यक्रम है, 21 से लेकर के 28 तारीख तक। उसके बाद बॉम्बे में इंटरनेशनल कॉन्क्लेव है, इंटरनेशनल लोग उस प्रदर्शनी को देखने के लिए आएंगे। तो पूरे देश में जो कार्यक्रम प्रदर्शनी के चल रहे हैं उसके सारे मैं सिख इतिहास को पूरे देश में बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। ये छोटा मेरा थोड़ा सा सहयोग है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।